हमने अक्टूबर के महीने में जब ये पूरी घटना हुई थी उसके बाद हमने ये एक कमेटी बनाई उत्तराखंड की जो आंदोलन कारी महिलाएं हैं उन्होंने पूरे देश की जो आंदोलनकारी महिलाएं हैं संगठन हैं उनके साथ मिलकर के एक कमेटी बनाई और हम लोगों ने इसमें 3 दिन हम लोग उत्तराखंड के जहां एक तो अंकिता भंडारी के माता पिता से मिले वनंतरा जो रिजॉर्ट है वहां मिले जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं वो श्रीनगर है देहरादून है बाकी और जगहों के जो लोग हैं जो इस मामले को लेकर के उठा रहे हैं इस मामले को उन लोगों से मिले और जो अधिकारी हैं पुलिस के अधिकारी हैं SIT की जो प्रमुख थी प्रियंका देवी उनसे मिले पुलिस प्रमुख हैं अशोक कुमार जी उनसे मुलाकात हुई और जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जो अभी आज के दिन पर इस अंकिता हत्याकांड के बाद एक बड़ा सवाल आज के दिन पर आ गया है कि जो होटल व्यवसायी हैं वो अब महिलाओं को अपने साथ रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को रखेंगे तो ऐसी स्थितियाँ फिर से पैदा हो सकती हैं तो ये उनके रोजगार को लेकर के एक बड़ा सवाल आने वाले दिनों में हम लोगों के सामने आने वाला है कि महिलाएँ आखिरकार कहाँ वो रोजगार करेंगी क्या उन्हें केवल इस वजह से पीछे हटना पड़ेगा कि वो महिलाएं हैं तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो ये हमें इन सारे इश्यूज को लेकर के इस पूरी कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट बनाई है हम लोगों ने ये रिपोर्ट 87 पेज के अभी फिलहाल प्राथमिक एक रिपोर्ट बनाई है और इसके बाद हम लोग इसको सरकार को देंगे हम लोग जब इस ये रिपोर्ट बना रहे हैं तो इस रिपोर्ट में ये सवाल उठाए गए हैं कि जो यहाँ एक रिजॉर्ट संस्कृति उत्तराखंड में पनप रही है तो वहाँ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या सवाल सरकार उठा रही है नहीं उठा रही है उनको देख रही है नहीं देख रही है दूसरा एक जो सवाल है कि जो यहाँ हम वनंतरा रिजॉर्ट को भी देखें तो जब ये घटना हुई उसके 2 दिन के बाद उसको तोड़ दिया गया और मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि अवैध तरीके से ये बना था तो क्या किसी भी अवैध निर्माण को पाए जाने के लिए क्या किसी अंकिता को मरना पड़ेगा क्या उसकी हत्या जायज़ है तो इसी तरीके से यहाँ जो पूरा ये रिजॉर्ट संस्कृति पैदा हुई है इसमें जो अवैध तरीके के जो रिजॉर्ट खुल रहे हैं वहाँ बहुत अनैतिक और गैरकानूनी गतिविधियाँ चल रही हैं तो पुलिस और प्रशासन की क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए ये हम लोगों ने इस रिपोर्ट में ये सवाल उठाया है देखिए जिस तरह से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ये काम किया पूरी तरह से हम लोग SIT की जांच से संतुष्ट नहीं हैं 20 तारीख को जो चार्जशीट दाखिल हुई SIT ने खुद कहा है कि देह व्यापार छेड़खानी के मामले में ये उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है तो छेड़खानी का मामला मतलब हम रेप से भी इसे देख सकते हैं तो जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी छिपाई गई है तो हम संतुष्ट तो हैं नहीं इसी तरह हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है अंकिता के हत्यारों को क्योंकि 302 जो धारा लगाई गई है उसके तहत आजीवन कारावास और फांसी की सजा है तो हम चाहते हैं कि ये क्योंकि बहुत ही कुकृत्य है इस तरह का जो जघन्य अपराध है इसके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए और हम लोग सड़कों तक भी जनता के बीच से भी आंदोलन के द्वारा इसको आगे भी लड़ेंगे।